पुलिस क्या इन युवकों को वहां से हटाने के लिए या फिर प्रशासन की ओर से जहां पर ज्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है वहां पर धारा 144 लगाने के लिए किसी तरह की कोई कारगर कदम वहां पर दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं? देखिए, देखा जहाँ जहाँ तक धारा 144 की बात कर रहे हैं तो अभी तक कोई ऐसी किसी भी स्थान पर धारा 144 नहीं लगाई गई है। और पुलिस की जहाँ तक या प्रशासन की बात करें तो अगर आप मानिए रेलवे स्टेशन पर आरा रेलवे स्टेशन पर 100 पुलिसकर्मी को आप लगा भी देते हैं, लेकिन उसके बाद जब छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या वो तकरीबन हजारों में है, तो इतनी ज्यादा संख्या में जब छात्र उग्र होकर हमला बोलते हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं नाराज छात्र, तो पुलिस भी जो है उनके सामने कहीं ना कहीं पंगू नजर आती है कि किस तरीके से इन पर काबू पाया जा सके। हालांकि टियर गैस जो है पुलिस की तरफ से चलाया जाता है, पुलिस कोशिश कर रही है कि इन पर काबू पाया जा सके, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में जब छात्र हमला बोल देते हैं किसी रेलवे स्टेशन पर, आरा रेलवे स्टेशन पर, तो पुलिस भी वहां पर कहीं ना कहीं विफल नजर आती है हालात को काबू में लाने में। लौटूंगी मैं आपके पास। बलिया की ताजा तस्वीरें आ रही है, यहाँ पर छात्र धरना देने के लिए बैठ गए हैं, पुलिस प्रशासन माइक के जरिए उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि कैसे ये मानने को ही तैयार नहीं है। बलिया में ही ट्रेन में आगजनी की गई थी और उसके बाद ये छात्र दरअसल तितर बितर हो गए हैं, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच चुका है। तो देखिए हालात बेकाबू ना हो जाएं, पुलिस प्रशासन भी अब सख्ती कर रहा है, छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है। और ये बेतिया की तस्वीर देखिए, यहाँ पर आगजनी की गई, रेलवे स्टेशन में काफी ज्यादा तोड़फोड़ की गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। ये तमाम तस्वीरें दरअसल बिहार के अलग अलग शहरों की हैं और बिहार में ही सबसे ज्यादा इस अग्निपथ स्कीम को लेकर गुस्से का असर देखा जा रहा है। 38 ट्रेनें रद्द की गई हैं, 11 पर अभी भी खतरा है। आगजनी और तोड़फोड़ के बीच रेलवे प्रशासन ने यह फैसला लिया है सेना में भर्ती स्कीम को लेकर। छात्र दरअसल नाराज हैं, का कहना है कि स्कीम में जो प्रोविजन किए गए हैं वो इनके हित में नहीं है। अब भी दरअसल स्कीम में बदलाव करने के बावजूद ये गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है, उसे सड़क ही क्यों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ये तमाम वो जगह जहां पर आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है।